नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, जैसे अभी मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो दिए थे आप लोगों को, जिसमें आपको मैं बर्मी वो परलाइट और बर्मी क्यूलाइट के बारे में जो मैंने नर्सरी उगाई है प्रोटरी के अंदर, तो वो उसमें कोकोपीट, परलाइट और बर्मी क्यूलाइट, अगर आप इन तीनों का मिक्सर बनाते हो तो बहुत ही शानदार नर्सरी होती है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आप इसको मिलाओगे तो, क्योंकि ये फंगस फ्री कोकोपीट होता है, तो इसीलिए अगर हम इसमें कोई भी तत्व मिला देंगे तो वो हमें नुकसान करेगा। तो आज हम अन्य टॉपिक पर बात न करके आज बस इसी पे बात करते हैं कि आखिर परलाइट क्या है और बर्मी क्यूलाइट क्या है और हमें क्यों इसको इसमें मिलाना चाहिए और ये क्या कार्य करते हैं। तो जो परलाइट है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं कि परलाइट है क्या। तो परलाइट जो एक पदार्थ है जो ज्वालामुखी से निकला हुआ होता है, जो प्राकृतिक अकार्बनिक गैर विषाक्त पदार्थ, मतलब ये नुकसानदायक पदार्थ नहीं है, जो रासायनिक रूप में एक प्रकार का वैकल्पिक ग्लास टाइप होता है, ये जिसमें पानी की जो क्षमता है वो ज्यादा सोखने की होती है। परलाइट जो है प्रकृति रूप से पाया जाता है, इसीलिए इसको खनिज भी बोलते हैं, तो ये खनिज भी हो जाता है। इसलिए परलाइट जो है नवीनीकरण एक प्रक्रिया है। अगर आप गार्डनिंग में परलाइट को मिलाते हैं तो पौधों में ये पोषक तत्व प्रदान करता रहता और बराबर इसमें मॉइस्चर मेंटेन करता है। तो इसीलिए दूसरा, जो हमारी ठोस मिट्टी है या जैसे मान लो कोकोपीट ज़्यादा ठोस हो जाता है, तो उसको पोष मतलब उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसको पोष मतलब उसमें छिद्र से मतलब मुलायम बनाए रखता है, जिससे हमारी जड़ों का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो है परलाइट का काम होता है। अब मैं आपको इसमें जैसे कि दूसरा जो मैंने इसमें मिलाया है वो मिलाया है बर्मी क्यूलाइट। तो परलाइट को आपने समझ लिया क्या है कि ये ज्वालामुखी जो जहां फटते हैं वहां से ये निकलता है और वहां से निकाल के इसको प्रोसेसिंग करके ये परलाइट बना दिया जाता है। अब बात करते हैं बर्मी क्यूलाइट की। तो जो बर्मी क्यूलाइट है ये भी एक तरीके का पत्थर टाइप सा एक चमकीला पदार्थ होता है, जिसका फोटो आप देख सकते हो, इस टाइप का ये होता है। ये प्रोसेसिंग करके फिर ये बनाया जाता है। तो अब इसकी जो प्रोसेसिंग है वो करके ये बर्मी क्यूलाइट बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि बर्मी कंपोस्ट का ही बर्मी क्यूलाइट होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक तरीके का खनिज है, ये पत्थर होता है जिसको हम तोड़ के प्रोसेसिंग करके इसको बर्मी क्यूलाइट में तब्दील करते हैं। अब इसमें जो बर्मी क्यूलाइट है, इसमें जो बर्मी क्यूलाइट है उसमें एक मैग्नीशियम नाम का तत्व पाया जाता है बर्मी क्यूलाइट के अंदर। अब जो किसान खेती करते हैं उनको पता होगा मैग्नीशियम क्या काम करता है। मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें एल्युमिनियम होती है, इसमें आयरन का सिलिकेट भी होता है। तो इसी तरीके से पूरी तरीके से एक नेचुरल खनिज है, जिसे जमीन के अंदर से माइनिंग करके निकाला जाता है। इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, जैसे माइनिंग करके कोयला की खदान से कोयला निकाला जाता है, इसी तरीके से ये बर्मी क्यूलाइट भी माइनिंग करके निकाला जाता है। अब माइनिंग करके निकालने के बाद, जिसके बाद उसको गार्डन में, नर्सरी में, प्रोटरी में, बर्मी उसमें कोकोपीट में, इसको नर्सरी में जो है यूज हम करते हैं। तो ये मिट्टी में मिलाने लायक योग हो जाता है, कोकोपीट में मिलाने लायक योग हो जाता है। बहुत सारी नर्सरी में जो करते हैं तो बर्मी क्यूलाइट को मिट्टी में भी इसको मिक्स करते हैं उसको पोरस करने के लिए। तो मिट्टी में लोग आने के लिए ये प्रोसेसिंग कर दिया जाता है। बर्मी क्यूलाइट का जो प्रयोग है वो क्वालिटी को सुधार करने में करता है। गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और जो सीड का जर्मिनेशन रेट आता है, जो प्रोटरी के हम अंदर हम करते हैं, अगर हम बर्मी क्यूलाइट को मिलाते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन का जो रेट ज़्यादा आता है वो बर्मी क्यूलाइट की वजह से ही आता है। क्योंकि कोकोपीट के अंदर कुछ भी नहीं है, कोकोपीट बस एक बुरादा है, न तो उसमें फंगस है, न उसमें ऐसा कोई पोषक तत्व है जिससे वो आपके पौधे को बढ़वार में हेल्प करेगी। तो बढ़वार में जो आपको जो हेल्प करेगा वो सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है बर्मी क्यूलाइट। परलाइट नम करता है, जब उसको पोरस करता है सॉइल को, जो भी हमने मीडिया डाला है उसको पोरस मतलब उसको मुलायम बनाता है, और ये उसको पोषक। तो अब आप लोग इसको समझ ही गए होंगे कि हम जो कोकोपीट के अंदर नर्सरी उगा रहे हैं तो कोकोपीट में जो है हमें बर्मी क्यूलाइट और परलाइट क्यों मिलाना अनिवार्य है। अगर हम इसको नहीं मिलाते
तो हमें जो बेनिफिट होने वाला है वो उतना नहीं होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम कोकोपीट में क्या क्या मिला सकते हैं, क्या नहीं मिला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।